हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल आगरा उत्सव और मैं हूं आपका दोस्त उत्सव। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फॉक्सवैगन की, जो अगले साल लॉन्च होने वाली है भारत में। एक धांसू एसयूवी जो कि लॉन्च करेगी फॉक्सवैगन टाइगन के नाम से। ये जो दोस्तों गाड़ी है, ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की कार है और ये फॉक्सवैगन की जो टाइगन है, ये भारत में हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस और एमजी की हेक्टर से सीधे सीधे टक्कर दे सकती है। लॉन्च से पहले फॉक्सवैगन ने अपनी अपकमिंग एसयूवी ऑल न्यू फॉक्सवैगन टाइगन का टीजर वीडियो लॉन्च किया है। इसमें इस कार के लुक और डिजाइन के साथ ही इसकी फीचर्स की भी झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, फॉक्सवैगन टाइगन को इस साल ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया गया था और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया जो थी वो बेहद ही जबरदस्त थी। फॉक्सवैगन टाइगन को इसी साल लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से ऐसा नहीं हो सका और अब अगले साल की शुरुआत में इसे भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। दोस्तों, फॉक्सवैगन टाइगन को भारतीय सड़कों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसमें MQB प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है इस कार को और साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर स्कोडा की अपकमिंग SUV स्कोडा विजन इन को भी डेवलप किया गया है। दरअसल इसे भारतीय सड़कों और कार यूजर्स के लिए तैयार किया गया है, जिसमें सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं इसके लुक और डिज़ाइन की। तो फॉक्सवैगन टाइगन की डिज़ाइन और स्टाइल की बात करें तो ये देखने में फॉक्सवैगन की टी क्रॉस जैसी लगती है, जिसमें वर्टिकल क्रोम ग्रिल्स, लार्ज स्क्वाड हेडलैम्प, एंगुलर हुड और बम्पर, 17 इंच की डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ ही LED टेल लैम्प और LED लाइट बार भी देखने को मिलती है। वहीं इंजन की अगर बात करें तो फॉक्सवैगन टाइगन में 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो कि सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये इंजन जो है आपको 148 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क पीक जनरेट करके देगा। फॉक्सवैगन टाइगन को 7 स्पीड गियरबॉक्स के साथ लॉन्च किया जाएगा और इसमें मैनुअल के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर कार के फीचर्स की बात करेंगे तो फॉक्सवैगन टाइगन की फीचर्स और इंटीरियर में आपको मल्टी लेयर डैशबोर्ड के साथ ही 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा और इसमें मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ही सनरूफ, रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ ही स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आने वाले समय में इस कार की फीचर्स की और भी डिटेल सामने आएगी। दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में और भी कई सारी बातें करेंगे जैसे ये गाड़ी लॉन्च होगी। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।